पूर्व भारतीय और आईपीएल फ्रेंचाइजी सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक फेसबुक पोस्ट ने सीएसके के फैंस समेत तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच हड़कंप मचा दिया है। एक्चुअली धोनी जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर इनएक्टिव रहते हैं और इसके बाद जो पोस्ट भी किया है वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी धोनी के इस पोस्ट को देखिए, फिर इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। धोनी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि नए सीजन और नए रोल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तब तक बने रहिए, यानी कि स्टे ट्यून्ड। अब इस पोस्ट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं कि 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत हो रही है, टूर्नामेंट का पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच होना है। अब जब सारी टीमें तैयारियां कर रही हैं, पर फिर अचानक से धोनी के इस पोस्ट का मतलब क्या है और क्या हो सकता है धोनी का नया रोल, हम आपको इस पोस्ट के पीछे की कहानी बताते हैं। इस पोस्ट को देखने के बाद सबसे पहला थॉट अगर किसी के दिमाग में आता है तो वो आएगा, क्या धोनी क्रिकेट से संन्यास तो नहीं ले रहे? लोग थ्योरी बना रहे हैं कि धोनी क्रिकेट से संन्यास लेकर सीएसके के मेंटोर के रोल में दिख सकते हैं, क्योंकि आईपीएल 2023 के बाद धोनी ने ये खुद कहा था कि या तो वो फील्ड के अंदर या फील्ड के बाहर से सीएसके के कैंप में होंगे। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि धोनी संन्यास नहीं लेंगे, वो ये वाला आईपीएल खेलेंगे। और इसके पीछे वजह है, क्योंकि अगर धोनी को रिटायरमेंट लेना होता तो वो ऑक्शन से पहले ही संन्यास ले लेते, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंचाइजी के पर्स में 12 करोड़ रुपए आ जाते और फ्रेंचाइजी ऑक्शन में धोनी की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को खरीद लेती। पर तब धोनी ने ऐसा नहीं किया, तो सीजन शुरू होने से कुछ दिन पहले धोनी संन्यास नहीं लेंगे, ये तय है। और धोनी के अगर पिछले रिकॉर्ड्स को भी देखा जाए तो ये कंफर्म है कि धोनी रिटायरमेंट का ऐलान के लिए किसी को एक्साइटेड नहीं करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट डालकर फैंस में एक्साइटमेंट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें संन्यास लेना होगा तो वो सीधे सीधे मैसेज या फिर ट्वीट या फिर फेसबुक पोस्ट कर देंगे। अब दूसरा थॉट क्या आता है, वो ये कि इस पोस्ट को देखकर लगता है कि क्या धोनी इस सीजन सीएसके की कप्तानी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है, क्योंकि सिर्फ एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में खेलना उनका नया रोल हो सकता है। अब ऐसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि शायद ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा, तो वो खुद चाहेंगे कि वो सीएसके के लिए किसी नए कप्तान को ग्रूम करके जाएं और एक पूरा सीजन उस कप्तान को दें। लेकिन यहां पर भी एक सवाल आता है कि अगर धोनी कप्तानी छोड़ते हैं तो कौन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला कप्तान? अगर बात करें किसी नए कप्तान की तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं ऋतुराज गायकवाड़ के। ऐसा इसलिए क्योंकि गायकवाड़ युवा हैं, घरेलू मैचों के अलावा एशियाई खेलों में भी भारत की कप्तानी कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चेन्नई की टीम उन पर इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि गायकवाड़ के अंदर भी धोनी की वो झलक नजर आती है, चाहे वो बल्लेबाजी के दौरान बहुत काम रहना हो या फील्ड पर भी ज्यादा अग्रेसिव ना होना, तो थोड़ी बहुत छवि महेंद्र सिंह धोनी की उनके अंदर नजर आती है। हम सब ने उनकी बल्लेबाजी देखी है, किस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो एक युवा खिलाड़ी पर सीएसके दाव लगा सकता है, चाहेगा कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान बने। लेकिन इनके अलावा रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे का भी नाम आता है, पर शायद चेन्नई दोबारा जडेजा को कप्तान बनाने पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि जब पिछली बार कप्तान बनाया था तो टीम का प्रदर्शन तो गिरा ही था, पर जडेजा का भी प्रदर्शन गिर गया था। और शायद ऋतुराज गायकवाड़ ही बेस्ट चॉइस होंगे, क्योंकि युवा हैं और 2008 में जब धोनी चेन्नई की पहली बार कप्तान बने थे, हालांकि तब उन्होंने भारतीय टीम को लीड किया था, टी20 विश्व कप जिता लिया था, तो उसके बाद कप्तानी मिली थी, पर ऋतुराज गायकवाड़ में भी कहीं वो झलक दिखती है। आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाना चाहिए सीएसके का? हमें कमेंट करके बताइए। अब इसके आगे की एक और थ्योरी है, संन्यास या कप्तानी के छोड़ने के अलावा धोनी के नए रोल के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि डेविन कॉनवे के अनअवेलेबल होने के बाद धोनी को ओपनिंग करने की बात की जा रही है। लोग कमेंट कर रहे हैं क्या धोनी ओपनिंग करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, धोनी ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। और इसके अलावा भी एक ये पोस्ट है जिससे पैच, और इन सब के अलावा इस पोस्ट का एक और मतलब निकलता है, वो ये कि क्या ये कहीं एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन तो नहीं है, क्योंकि धोनी अक्सर फेसबुक पर एड्स
शेयर करते हैं और ऐसे पोस्ट सच में कोई नया रोल नहीं बल्कि एक एड कैंपेन ही हो सकता है, पर यह भी पूरा सच है कि शायद ये कोई एड कैंपेन हो। अब असल में धोनी के इस पोस्ट का नए सीजन में नए रोल का क्या मतलब है ये तो समय ही बताएगा। आपकी क्या राय इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके बताइए, और क्या हो सकता है धोनी का रोल ये भी आप कमेंट करके बताइए, और सीएसके के नए कप्तान के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।